हेलो एवरीवन दिस इज क्लास फोर मॉरल साइंस चैप्टर नंबर नाइन सनसेट सेट ट्वेल्थ सन ट्वेल्थ मतलब सूर्यास्त के समय का धन वैल्यू ऑफ़ टाइम वैल्यू और मॉरल फ्रॉम दिस चैप्टर हमें इस चैप्टर से क्या सीखना है दैट इज़ वैल्यू ऑफ़ टाइम समय की कदर करना चैप्टर में एक किंग है किंग चंद्रमोहन वो एक ऐसे आदमी से मिलते हैं जो कि सारा दिन सिर्फ खाता और सोता रहता है और किंग उसे कोई ऑफर देते हैं फिर क्या होता है लेट्स सी किंग चंद्रमोहन रूल्ड ओवर वेस्टर्न इंडिया वॉज अ वाइज किंग किंग चंद्र मोहन वेस्टर्न इंडिया के एक बहुत ही समझदार राजा थे वंस इन अ मंथ ही वेंट आउट एंड मेट द पीपल ऑफ हिज लैंड हर महीने में एक बार वो बाहर जाकर अपने राज्य के लोगों से मिलते थे ऑन वन ऑफ हिज विजिट्स ही मेट अ मैन उसी तरह एक बार वो बाहर लोगों से मिलने के लिए गए और वहाँ उनकी मुलाकात एक आदमी से मिली हुई कॉल्ड हरिया हु नो वर्क एंड स्पेंट द होल डे ईटिंग एंड स्लीपिंग और उस व्यक्ति का नाम था हरिया जो सारा दिन कुछ भी काम नहीं करता था वो सारा दिन सिर्फ खाने और सोने में बिता देता था वन द किंग मेट हिम ही आस्ट हिम वाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी जब राजा उससे मिला तो राजा ने पूछा कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते जिससे तुम थोड़े पैसे भी कमा लो हरिया सेड नो वन गिव्स मी अ जॉब माई एनिमीज टेल एवरी वन डैट आई नेवर डू एनी वर्क ऑन टाइम तो हरिया ने राजा को बताया कि उसे कोई भी काम नहीं देता है उसके एनिमीज यानी उसके दुश्मन सबको ये बता देते हैं कि ये कोई भी काम नहीं करता द किंग सेट यू कैन गो इन टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट एज मच वेल्थ एज यू कैन बट बिफोर सनसेट टुडे किंग ने उसे कहा कि तुम मेरे ट्रेजरी यानी खजाने में से जितना चाहे उतना धन इकट्ठा कर सकते हो लेकिन एक कंडीशन है कंडीशन ये है कि वह धन उसे सनसेट से पहले ही लेना है आज सनसेट टुडे। हरिया रस्ड होम टू टेल हिज वाइफ ये सुनकर हरिया दौड़ते हुए जल्दी से अपने घर गया और अपनी वाइफ्स को ये बात बता दिया शी सेड गो एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स नाओ उसकी पत्नी ने कहा जाओ जल्दी से जाकर जितने भी गोल्ड कॉइन्स सोने के मोहरे और जेम्स यानि रत्न वगैरह ला सकते हो सब कुछ ले आओ हरिया ने क्या कहा आई कैन नॉट गो नाओ गिव मे लंच फर्स्ट ही सेट टू हिज वाइफ आफ्टर लंच ही टुक अ नैप फॉर एन आर हरिया ने तुरंत ही मना कर दिया उसने कहा नहीं मैं अभी नहीं जा सकता पहले मुझे लंच दो उसे भूख लगी थी हरिया पहले खाना खाता है और फिर लंच करने के बाद वो एक नैप लेता है नैप यानी सोना वो एक झपकी लेता है फॉर एन आर एक घंटे के लिए वो आराम से सो जाता है देन इन लेट आफ्टरनून ही पिक्ड सम बैग्स एंड वेंट टू दैलेस और फिर लेट आफ्टरनून दोपहर में देर होने के बाद वो कुछ बैग्स उठाता है और पैलेस यानि महल की तरफ जाने लगता है ऑन द वे ही फेल्ट हॉट सो ही सैट अंडर द ट्री टू रेस्ट दोपहर का समय था तो गर्मी तो लगती तो रास्ते में उसे गर्मी लगती है जिसके कारण वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है देन टू आवर्स लेटर ही गॉट अप टू गो बट सो अ स्नेक चार्मर शोइंग स्नेक ट्रिक्स टू द चिल्ड्रन तो दो घंटे वो पेड़ के नीचे आराम करता है और उसके बाद उठकर वो जाने लगता है तब उसे एक स्नेक चार्मर यानी सपेरा दिखाई देता है जो सांप का खेल दिखा रहा था बच्चों को सो so,

महल के सारे गेट दरवाजे बंद हो चुके थे हरिया वैल्यू ऑफ टाइम हरिया को जो एक सुनहरा मौका दिया गया था उसने उसे खो दिया क्योंकि उसने टाइम को वैल्यू नहीं दिया था इसी तरह हमारे लाइफ में जब हमें कोई भी काम करने को दिया जाता है और हम उसे सही समय पर नहीं करते हैं तो हम उस मौके को खो देते हैं सो so, इसी तरह एक सेइंग है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन यानी समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती इसका सिंपल मतलब है कि समय हमेशा चलता ही रहता है वो किसी के लिए नहीं रुकता है जिस तरह समुद्र की लहरें वो लगातार ही उठती रहती हैं वो किसी का इंतजार नहीं करती उसी तरह समय भी किसी का इंतज़ार नहीं करता अगर हम समय को बर्बाद कर दें, तो हमें भी हरिया की तरह पछताना पड़ता है